जय माँ काली। जुड़ जाएं सभी लोग, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पिशाच साधना के ऊपर। देखो, पिशाचों का भी तंत्र में एक खास स्थान रहा है, वह भी बताएंगे क्यों। देखो, हर शक्ति की कोई ना कोई खासियत होती है, ये हमने पहले भी बताया है। इसकी क्या खासियत है, ये बहुत ही बलशाली और तीव्र होते हैं, कुशल होते हैं बहुत ज़्यादा। ये अपने काम को बहुत जल्दी ख़त्म करने में विश्वास रखते हैं, यानी कि ये एक ऐसी शक्ति अगर किसी काम को पकड़ ले तो झटपट से इसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, और इतना बल होता है कि झटपट में ख़त्म करके वापस आ जाती है। इसी कारण प्राचीन काल में, या फिर कह लो कि जो पहले के तांत्रिक होते थे, वह पिशाच द्वारा जो है मारण प्रयोग किया करते थे। कैसे? ज़्यादातर जो विधि होती थी मारण, इससे क्यों करवाते थे, क्योंकि और भी शक्तियां हैं, उससे भी तो मारण होता है। देखो, जब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं रात्रि को, जब तांत्रिक चाहता है कि जिस पर वह प्रहार कर रहा है वो उसी समय ही ख़त्म हो जाए, यानी कि सुबह तो बहुत ही दूर की बात है, उस रात्रि को ही ख़त्म हो जाए, तो तांत्रिक क्या करता है, पिशाच और साथ में एक पिशाचनी लगाता है, दोनों का आवाहन करता है। आवाहन करने के बाद बलि देता है, बलि देने के बाद इनको भेजता है, और झटपट वहीं काम करके ये वापस लौट आती है। इसके साथ में जो है बकरा लगा के बकरे की बलि दी जाती है, तो इसमें कुछ जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती कि वो बंदा बच जाए या फिर सुबह की पहली किरण भी देख पाए। तो इस तरीके के जो मारण प्रयोग पहले के समय में तांत्रिक इस शक्ति से करते आए हैं। जब हम भी दीक्षित हुए थे तो तब भी ये इसका प्रयोग जो है मारण के लिए बहुत होता था। इसकी ये कुछ ही तांत्रिकों के पास मिलता है, क्योंकि इसकी साधना काफ़ी कठिन होती है, तो कुछ लोग डर के मारे इसको नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी साधना जो है बहुत कम समय की होती है और अनुभव तीक्ष्ण होते हैं। अनुभव के मामले में ये ज़्यादातर साधु को ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यह साधना पर बैठने के मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर ही हाजिर हो जाता है। और इसकी और भी खासियत है, लेकिन कुछ खासियत होती है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने मिठाई ना चखी हो और अलग अलग मिठाइयों का स्वाद वो कैसे जान सकता है। तो मान लो आपने शक्ति एक भी सिद्ध नहीं कर रखी अभी तक, तो इतनी शक्तियों में क्या भिन्नता है, ये कैसे जान लोगे आप। हम तो शब्दों के माध्यम से पूरा पूरा हम वह भेद क्या है शक्तियों में वह उचारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो साधक सुनने वाला है उसको भी तो आगे बढ़ना चाहिए। हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो अभी बहुत डर रहे हैं किसी भी साधना को करने के लिए, मन में यही सोचते हैं जब हमसे बात होती है, गुरु जी हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमारी फैमिली को तो नहीं कुछ हो जाएगा, घर में कुछ दिक्कत तो नहीं होने लग जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ तांत्रिकों ने उनको डरा दिया है कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ये साधना करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। वो बहुत डरे होते हैं और वो डर उनके घर मन के अंदर घर कर लेता है वही डर, तो तंत्र को उसी निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। जब भी तंत्र का नाम आता है तो पहले वो यही सोचते हैं कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरीके की चीज़ें, ये चीज़ें नुकसान पहुंचा देंगी, इस तरीके की चीज़ें जो है उनके मन में आती हैं। लेकिन ये साधक की निशानी नहीं होती है, ये एक डरपोक व्यक्ति की निशानी होती है, जो अगर साधना करने भी बैठ जाए तो शायद वो डर जाएगा, डर के भाग जाएगा, या साधना पे दूसरे दिन आएगा ही नहीं, जिस दिन शक्ति में अपना थोड़ा सा भी अनुभव करवा दिया, एहसास करवा दिया होने का। तो ये फ़र्क होता है, क्योंकि लोग जो हैं अपनी परेशानियों के कारण कुछ लोग तंत्र में आते हैं, लेकिन जो परेशानियों के कारण आते हैं उनमें से कुछ बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं,
अपने डर के कारण ही वो ज़िंदगी में भी पीछे होते हैं और वो तंत्र में सफलता कैसे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनको वैसे ही बहुत डर लगा रहता है। जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल करना होता है उनके अंदर डर ख़त्म हो जाता है। तो डर नाम की चीज़ निकाल दो, ज़िंदगी लड़ने के लिए बनी है, आगे बढ़ने के लिए बनी है, ये डरने के लिए नहीं बनी है। मौके ज़रूर आते हैं ज़िंदगी में, कुछ हो सकता है आपके कोई परेशानी आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थकार कर बैठ जाओ। आप आगे बढ़ो, आपको ही आगे बढ़ना है, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं आएगा। यहाँ तक कि हमें लगता है कि कुछ लोगों की ऐसी वृत्ति है, ऐसा दिमाग में है कि शायद कोई तांत्रिक आएगा और हमें ऊपर उठाएगा। उनसे कई बार बात भी नहीं हो पाती अच्छे से कि हम किसी से बात कैसे करनी है, वो खुद ही इतने उलझे हुए हैं। तो साधक जो होता है, सबसे पहले तो उसके अंदर एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के बाद ही वो कुछ कर सकता है। एकाग्रता होगी तो साधना में टिक पाएगा, एकाग्रता ही नहीं है तो कहाँ से टिक पाएगा। तो चीज़ें समझने वाली हैं, यह नहीं कि हम साधना पे, साधना जो हम बताते हैं ये साधकों के लिए हैं जो लोग निडर हैं, क्योंकि हमसे कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो एक समय था उनके पास कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है, यानी कि लोगों की तंत्र काट भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रहस्य उन्होंने खोजे हैं, हमें बताते हैं कि तंत्र में गुरु जी हमने आज ये उपलब्धि हासिल की। तो हमारा हाथ भी उन पर रहता है, हमेशा जुड़े रहते हैं। कल तक जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके अंदर डर ना होने की वजह से कभी वो साधना करते हुए भी नहीं डरे। ऐसे लोग होते हैं साधक। थके हुए लोग, डरे हुए लोग साधक नहीं बनते हैं, डरे हुए थके हुए लोग तो गुलाम बनते हैं। तो गुलाम ना बने, अपने अंदर साहस लाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास साहस होता है, लेकिन कोशिश करते रहें कि अपने आप को जगाते रहें और अपने आप को होश में लाएं और साधना या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें व्यक्ति दिमाग से भी तेज चाहिए, शारीरिक भी, मतलब कि निडर चाहिए, हृदय बहुत मजबूत चाहिए। तो तांत्रिक ऐसे नहीं बनते हैं, तांत्रिक के जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं ना, ये इनके पास कोई भी तांत्रिक है, कोई भी सिद्ध है, तो उसके अंदर का डर जो है ना ख़त्म हुआ होता है, यानी कि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होता है। तो हम आज खुश भी हैं बहुत, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों ने साधना लेकर हमसे की है, और हमारे कुछ गिनती के साधक ऐसे हैं जिन्होंने तंत्र में कुछ ऐसी चीज़ें खोजी हैं जो आज से पहले कभी नहीं खोजी गई थी, कुछ ऐसी शक्तियों का यानी कि खोज किया है कुछ शक्तियों के माध्यम से। जैसे हमने पहले बताया था कि योगिनी सिद्धि पर भी हमने बताया था कि योगिनियाँ जब हम सिद्ध करते हैं तो बहुत सारे द्वार खुलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी साधनाएं करने पे कुछ सिद्धियां हमें बहुत सारे रास्ते खोलती हैं, जिनमें कि नई शक्तियों का हमें सिद्ध करने का मौका मिलता है। तंत्र इसलिए नहीं है कि आप अपना जीवन अच्छे से व्यस्त कर सकें, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत तो एक दो शक्ति सिद्ध करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपके ऊपर तंत्र कोई कर पाएगा ना ही कुछ। तंत्र एक यात्रा है, इसमें ये एक ऐसा रस है कि जिसको लग गया, मान लो अगर कोई एक साल भी सिद्धि साधनाओं में अच्छे से दे दे, तो आने वाले साल उसको देने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप वो लाइन उसकी अपने आप उस ओर चली जाएगी, अपने आप वो बाकी के साल तंत्र को दे देगा। क्योंकि तंत्र में ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं कि जिनका कोई इस ज़िंदगी से वास्ता नहीं है, यानी कि अलग ही एक दुनिया है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति के अंदर निखार आता है, व्यक्ति और उज्ज्वल होता है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बनता है, व्यक्ति के अंदर सब कुछ समाहित होते हैं, अलग अलग गुण आते हैं। तो बहुत करके तो देखो, एक बार आप आगे तो बढ़ के देखो, सब कुछ होगा, डरे रहने से कुछ नहीं होगा। तो ये हम उन लोगों के लिए कहे हैं जो तकरीबन जो हमारे पास आते हैं, कुछ 10-15% लोग जो है डरे हुए होते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी करुणा है हमारे मन में, वो कुछ ना कुछ करें।
हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है वह सिद्धि साधना में अग्रसित हो, आगे बढ़े, ताकि इसको अलग ही तंत्र को असली रूपरेखा में आ सके तंत्र। तो हमारा भी जो है यही सपना है। तो इतना है कि हमारे माध्यम से बहुत लोगों की तंत्रकाठ हुई है, यानी कि हमारे बहुत सारे शिष्य जो हैं बहुत तादाद में तंत्रकाठ करते हैं, वह भी अपने घर में रहते हुए आसपास के लोगों का तंत्रकाठ करते हैं। बहुत लोगों ने मारण प्रयोग से जान बचाई है हमारे साधकों ने, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे हम इससे शक्ति के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें नहीं समझोगे, अकेली साधना ही देखते जाओगे क्या है, कौन सी शक्ति कैसे है। उन लोगों को भी हम जगाना चाहते थे, इसलिए इन चीज़ों का ज्ञात होना आपको बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि कहीं आप ये जो हम बोलते हैं इसको देखने में ही ना लगे रहें आप। तो एक तो शक्ति ये बहुत बलशाली होती है, तीव्र होती है और खूंखार होती है, जिसके लिए मारण प्रयोग इससे ज़्यादा करवाए गए हैं पहले के समय में, और कोई भी कार्य ये करने में सक्षम है, क्योंकि हमें हर उस शक्ति के बारे में थोड़ा ज्ञात करवाना है आपको जो तंत्र में अपना स्थान बनाए हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग हुई है तंत्र में, तो हर उस शक्ति के बारे में हम ज्ञात करवाएंगे। शक्तियों के साथ साथ बता दें कि बहुत सारी विधियाँ भी इनको अलग अलग हैं करने की, विधियाँ भी अनेकों हैं इनको सिद्ध करने की, यानी कि हर शक्ति जो है अलग विधि से ही सिद्ध होती है, कोई भी शक्ति एक ही विधि से सिद्ध नहीं हो सकती है। मान लो जिन है वो अलग विधि से सिद्ध होगा, मसान है वो अलग विधि से सिद्ध होगा, पिशाच हैं वो अलग विधि से सिद्ध होंगे। तो हम क्योंकि एक इतनी दुनिया निराली है कि ये तंत्र की कि आप अगर करते जाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब तंत्र में मैं आया और कब मेरी ज़िंदगी बीत गई, इतनी अलग दुनिया है। कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम बहुत सालों पढ़ाई किए हैं, लेकिन कोई हमारा कामकाज कहीं लग नहीं रहा, जॉब नहीं लग रही हमारी, लगी भी है तो किसी काम की नहीं है, कुछ बनता नहीं है। तो देखो, आप लोग इतने सालों मेहनत करते हो पढ़ाई के अंदर, वह भी एक विद्या है, आगे बढ़ने के लिए ही आप करते हो, तो यह भी उसी तरीके से ही एक विद्या है। क्योंकि अगर इसको एक साल वहाँ पर, तो पता नहीं कितने सालों आप दे देते हो, कितना लंबा अरसा दे देते हो पढ़ाई में। इसको तंत्र को तो एक साल देख के देख लो, आपको इतना एक अलग संसार प्राप्त होगा कि पूरी ज़िंदगी आप एक रहस्यमय तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में आधुनिक लोग भी हैं, पुरातन लोग भी हैं, अभी तक जो लोग हैं जो पुरातन जैसे जीते थे वैसे ही आज भी जी रहे हैं। अपनी अपनी दुनिया होती है हर एक व्यक्ति की, दुनिया बदल रही है लेकिन अपनी दुनिया हर एक व्यक्ति की अलग है, क्योंकि वो अलग तरीके से जीता है, अलग तरीके से खाता है पीता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी और देखकर ही आपने जीना है कि कोई दूसरी तरीके से जी रहा है। तो आप भी अगर तंत्र को अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अलग, एक दूसरी ही दुनिया भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में रंग भर जाएंगे, जो रंगहीन बनी हुई है रंग भर जाएंगे। क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये शक्तियाँ कभी भी नुकसान नहीं करेंगी अगर समझदारी से किया जाए। तो दुनिया में आप भला करें सबका, और दूसरों का तो नहीं परंतु खुद ही आप कर लेंगे तो खुद ही ऐसा एक काम कर जाएंगे आप अपने आप में, वह चीज़ की शायद पहले कभी ना हुई हो। तो इन चीज़ों को समझो। बाकी जिसने भी साधना करनी है पिशाच की, वो हम करवा सकते हैं, लेकिन हृदय से मजबूत होना चाहिए, या तो एकाध साधना किया हो शमशान में, वह साधक इस साधना को ले सकता है, नया साधक भी ले सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हृदय से बहुत मजबूत हो। इस बात की पूरी गारंटी होती है कि घेरे के अंदर शक्ति नहीं आएगी। जो डर है ना आपका, उसको निकाल लो। अगर आप तनिक भी नहीं डरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने की, कुछ भी हानि नहीं होने की। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जहां आप साधना कर रहे हैं, चाहे ज़मीन से आप
छोड़ो कुछ भी हो जाए, जब तक रक्षा घेरा लगा है तब तक आपको जानना है कि आप इसको कहीं सपने में ही देख रहे हैं इन अनुभवों को। तो यानी कि कुछ चीज़ें जो हकीकत में लगेंगी, शक्ति ऐसी कुछ करेगी कि वो हो नहीं रहा होगा लेकिन हकीकत में लगेंगी। अब चीज़ें इतनी आप बोलते जाएं तो समय ख़त्म हो जाएगा, यानी कि समय बहुत लग जाएगा, लेकिन चीज़ें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझो। और जो साधक साधना ले रहे थे, कुछ एक आध दिन से हम व्यस्त थे, तो जिसने भी कोई साधना लेनी है वो हमसे ले सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ का दी।